हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा ये वाली जो वीडियो है, मेरे को ये लेक्चर 01 में डालनी थी, बट कुछ वजह से ये वीडियो डिलीट हो गई, जिसमें से मुझे अलग से दोबारा लानी पड़ रही है वीडियो। तो आपका जो पहला टॉपिक है आपको पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो मैं आपको बताऊं, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। एक का नाम होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक का नाम होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अच्छा दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इनकी मेन बात मेक देयर ओन फूड और डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इनका है प्लांट, नोट कर लो, धीमे धीमे सब समझेंगे, समझे ठीक है, इसके बारे में बातें नोट करो। चलो हेटरोट्रॉपिक दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड। All animals are heterotrophic, ठीक है। चलो इसके भी दो पॉइंट लिख लो। अब ये चीज होती है, ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लांट, कभी आपने ये चीज देखी है कि प्लांट आपसे खाना मांग रहा है कि मुझे खाना दो? नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये नहीं डिपेंड होने की जरूरत है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस दुनिया से सारे इंसान मर जाए ना तो भी पेड़ खत्म नहीं हो सकते, पेड़ रहेंगे और बल्कि बढ़ सकते हैं पेड़, समझ रहे हो। पानी उनको किससे मिल जाती है? पानी उनको ऊपर से मिल जाती है, आसमान से मिल सकता है, बारिश से, और कार्बन ऑक्सीजन देने के लिए और भी बहुत सारे सोर्स जरूरी नहीं, तुम ही दे रहे हो, और क्या चीज चाहिए होती है इनको? क्लोरोफिल इनके पास है ही, खाना अपना आराम से बना, सनलाइट कभी खत्म होगी नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो आते हैं ऑटोट्रॉपिक में। एग्जाम्पल है प्लांट, सारे प्लांट नहीं कह सकते हो, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना खाना मतलब जो डिपेंड करते हैं, पिचर प्लांट वगैरह वो इंसेक्ट वगैरह खा लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जो दूसरे बंदे पे डिपेंड करता है, तुम्हें खाने के लिए या तो तुम्हें सब्जियां चाहिए या फिर तुम्हें नॉनवेज चाहिए। तुम खुद कुछ कर सकते हो? नहीं। तुम सिर्फ पका सकते हो, तुम खा सकते हो, पर तुम खुद कुछ बना नहीं सकते, समझ रहे हो। प्लांट तुम्हें या तो प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, वेजिटेरियन का हो गया वेजिटेरियन हो तो भाई प्लांट पे डिपेंड रहोगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हो तो दोनों चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, तुम डिपेंड करते हो दूसरे पे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किसमें कैटेगराइज होते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जितने भी यहाँ पे लिखा है ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, जितने भी एनिमल्स हैं, जरूरी नहीं इंसान, इंसान के अलावा जितने भी जानवर हैं सब कौन से वाले होते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, कर लो। तो बच्चों आपने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखो ऑटोट्रॉपिक का कोई टाइप नहीं होता, पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब जो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? तीन। पहले टाइप का नाम होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरे वाले का नाम होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरे वाले का नाम होता है होलो जोइक न्यूट्रिशन।
समझो बहुत आसान चीजें। आपने पहले पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पेपर में आपसे पूछा गया व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप बोलोगे दो मोड होते हैं मैडम खाना लेने के, दो तरीके, या तो अपना खाना स्वयं बनाओ, जो अपना खाना स्वयं कौन बनाता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, या फिर किसी पे डिपेंड करो। तो भैया जरूरी नहीं है हर कोई हमारी तरह नहीं होता, हम हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है ना, एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा डाइवर्सिटी, आपने वहां देखा है कि इतने सारे किंगडम थे, एनिमिलिया किंगडम अलग था, क्रोमोप्लास्ट अलग था, इतने सारे किंगडम है आपके एनिमिलिया किंगडम के अंदर, इतने सारे किंगडम। तो अब खुद सोचो आप, क्या सारे के सारे बंदे सेम खाते हैं, हर कोई सेम तरीके से खाना खाता है? नहीं। तो इसीलिए बायो के अंदर हेटरोट्रॉपिक को तीन पार्ट में कर रखा है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और फॉलोजेटिक न्यूट्रिशन। बात समझ आई? सबसे पहला है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। In this type of nutrition, organism obtain its food from dead plants and animals. मतलब ये वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने खाने को, मतलब अपना खाना जो खाते हैं वो किससे खाते हैं, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से खाते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा है कि कोई भी जो जानवर होता है, या फिर कोई भी जानवर हो गया, कोई भी इंसान होता है, मर जाता है, मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, तो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आती है। तो रीजन क्या है, तो बदबू क्यों आती है, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो चीज मर जाती है उससे अपना खाना लेती है, उस पर बैक्टीरिया कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कहते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, उसका एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है, घर में मशरूम खाते हो, जो मशरूम है ना वो ऐसा नहीं खेतों में उगते, नहीं, जो पेड़ बड़े पेड़ जो होते हैं ना, काफी बड़े पेड़ वो टूट जाते हैं, मान लो किसी वजह से कोई भी तुमने काट दिया, बिजली से गिर के टूट गया, तो पेड़ अगर टूट के गिर गया उसका मतलब उसमें जान नहीं रही है, मर गया वो पेड़ मर जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, मशरूम खिल जाता है। मशरूम ने खाना कैसे खाया अपना, मशरूम ने खाना खाया उस मरे हुए प्लांट से। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये अपना खाना लेते हैं किससे, मरे हुए प्लांट से और एनिमल से। डीकेइंग भी लिख सकते हो ऊपर यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर नोट कर लो। तो देखो बच्चों, अब सेकंड वाला कौन सा था, सेकंड था आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड From other organism, without killing it. Post भी है। Example है इसका roundworm। समझते हैं, देखो क्या? Saprophytic nutrition था जिसके अंदर आप क्या कर रहे थे? आप मतलब हम नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा था, किससे पर, मरे हुए से ले रहा था। पैरासाइटिक में होता है, अच्छा कभी किसी के सर में जू हुई हो या फिर पेट में कीड़े हुए, बचपन में सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड, तो कि सर में जू हो गई या फिर कीड़े हो गए। अच्छा जब पेट में कीड़े होते हैं तो वो क्या इंसान को मार देते हैं? नहीं मारते। और सर में जू होती है तो वो क्या इंसान को मार देती है? नहीं मारती। पर आपको पता है जो जू होती है वो आपके सर का खून पीती है, और जो पेट में कीड़े होते हैं या जो आपका खाना जो खाते हो ना वो खाते हैं। तो दोनों ही केस के अंदर आप मरे नहीं हो, इसका मतलब इस बार जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना ले तो रहा है, इस बार जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना ले तो रहा है किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, पर एक वर्ड याद रखना, विदाउट किलिंग इट। मतलब इस बार जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे बंदे से खाना लेगा पर उसे मारेगा नहीं, इस बार जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना लेगा दूसरे बंदे से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से,
पर उसे मारेगा नहीं, बिना मारे खाना लेता है, और जिससे वो खाना लेता है उसे होस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, तो जो कीड़े हैं उसके लिए होस्ट कौन है? वो बच्चा जिससे खाना ले रहे उसे होस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल है राउंड वर्म, जो पेट में कीड़े होते हैं राउंड वर्म हो जाता है, बात समझ आई? ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उसको मारे, इसे कौन सा बोलते हैं? पैरासिटिक मूवमेंट, सॉरी न्यूट्रिशन। अगला है भाई आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। आपको बता दूं बेटा ये हम लोग होते हैं। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड एंड चेंज इट इंटू सिंपल सब्सटेंस बाय डिफरेंट मेथड। एग्जाम्पल क्या याद कर लो उसका, ह्यूमन बींग्स। अच्छा ये हम लोग हैं। होता क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लो आपने एक रोटी खाई, ये रोटी है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपने एक रोटी खाई। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, बाहर से जो भी चीज खा रहे हो वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो थोड़ी सी ना मुश्किल होती है आपके शरीर के लिए पचाना। तो आपका शरीर क्या करता है ना, इस रोटी को सिंपल ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसमें चेंज कर देता है, इस रोटी को ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लूकोज को कहते हैं सिंपल 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 कॉम्प्लेक्स कह सकते, सिंपल सिंपल फूड कह सकते, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दिया। आपने रोटी खाई, वो रोटी को किसमें चेंज कर दिया? आपके शरीर में ग्लूकोज। अच्छा ऐसे तो हो नहीं गया होगा जादू मंत्र की तरह, अंदर बहुत सारे प्रोसेस हुए होंगे। तो डिफरेंट प्रोसेस करे आपकी बॉडी ने। अब वो प्रोसेस क्या थे वो आपको पढ़ने हैं आपके कोर्स में, ऐसा आगे पढ़ूंगा। रोटी, आपने रोटी का कोई भी चावल मान लो, ब्रेड मान लो, कोई भी चीज आपने खाई, आपकी बॉडी क्या करेगी? उसको वो कॉम्प्लेक्स खाई अपने पास, उसको बड़ी मेहनत करके अंदर पचाएगी, बहुत सारा काम करेगी, वो करने का किसमें चेंज कर देगी? ग्लूकोज, मतलब सिंपल फूड बना देगी। कॉम्प्लेक्स से क्या बना देगी? सिंपल। यही प्रोटीन खाओगे तो एमिनो एसिड बना देगी, ये सब बताऊंगा आगे, समझ रहे हो? तो हुआ क्या, आपने बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड खाया, बॉडी ने उसको किसमें चेंज कर दिया? सिंपल में, डिफरेंट प्रोसेस से। तो इस वाला मेथड, ये वाला जो मेथड, ये वाला न्यूट्रिशन नहीं हमारे अंदर होता, ह्यूमन बींग्स के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, बाहर से ये सब खाते हैं, बॉडी सिंपल बना देती है डिफरेंट प्रोसेस से। ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात समझ आई ह्यूमन बींग्स? कर लो नोट।